साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर का मुकाबला शुक्रवार 7 जून को स्पेन के राफेल नडाल से होगा। दोनों खिलाड़ी 8 साल बाद इस टूर्नामेंट में आमने सामने होंगे। पिछली बार 2011 में नडाल ने फेडरर को शिकस्त दी थी। इस टूर्नामेंट में दोनों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा। फेडरर 6 साल बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, जबकि स्पेन के नडाल ने 12वीं बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। फेडरर ने वावरिंका को हराया। 2009 के चैंपियन फेडरर ने 2015 के चैंपियन स्विट्जरलैंड के ही स्टेन वावरिंका को 7-6, 4-6, 7-6, 6-4 से हराया। उन्होंने यह मुकाबला 3 घंटे 35 मिनट में अपने नाम कर लिया। 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके फेडरर ने इस जीत के साथ ही वावरिंका के खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 23-3 पहुंचा दिया है। दूसरी सीड नडाल ने जापान के केई निशिकोरी को 6-1, 6-1, 6-3 से मात दी। क्ले कोर्ट के बाद शाह कहे जाने वाले नडाल ने निशिकोरी को यहां पर लगातार 5वीं बार हराया। नडाल ने 1 घंटे 51 मिनट में जीत हासिल कर निशिकोरी के खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 11-2 पहुंचा दिया। इस जीत से नडाल का फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 93-2 पहुंच गया है। 2009 के चैंपियन फेडरर दूसरी बार खिताब की तलाश में है। हालांकि नडाल के खिलाफ उनका करियर रिकॉर्ड 15-23 है। भले ही आंकड़े फेडरर के पक्ष में नहीं हो, लेकिन पिछले 5 में उन्होंने नडाल को अलग अलग टूर्नामेंट में शिकस्त दी है। फेडरर के हालिया फॉर्म को देखते हुए यह माना जा रहा है कि नडाल को मैच में एक तरफा जीत मिलनी मुश्किल है।